प्रमंडल के एकमात्र योध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं अब ड्रेस कोड में नजर आएंगी। जी हां, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद द्वारा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज की परिषद अध्यक्ष पूर्णिमा सिंह ने कॉलेज में पढ़ने वाली तमाम छात्राओं के लिए फरमान जारी कर दिया है कि छात्राएं टॉप व जींस पहनकर कॉलेज नहीं आए, वे ड्रेस कोड में ही कॉलेज पहुंचे। अध्यक्ष श्री सिंह ने कॉलेज परिसर में मोबाइल पर बातचीत पर भी पाबंदी लगा दी है। यही नहीं, कॉलेज में सुचारू रूप से सभी क्लास भी चले, इसके लिए छात्र संगठन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। छात्राओं को कॉलेज परिसर में किसी प्रकार की परेशानी न हो, पूरा अधिकार व सुविधा मिले, इस पर भी छात्र संगठन लगातार प्रयासरत है। अध्यक्ष पूर्णिमा की बात माने तो कॉलेज की शिक्षण व्यवस्था में व्यापक सुधार होने से छात्राएं काफी संख्या में कॉलेज पहुंच रही है। साथ ही आगे बताती हैं कि ड्रेस कोड में जब छात्राएं कॉलेज आएंगी तो कॉलेज की सभ्यता झलकेगी व ऊंच नीच का भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। हालांकि श्री सिंह मानती है कि ड्रेस कोड के लिए फरमान जारी होते ही उन्हें भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा है। ड्रेस कोड इसलिए मस्त है क्योंकि हमारा कॉलेज एक शिक्षा का मंदिर है और हम चाहते हैं कि एक ड्रेस कोड होना चाहिए जिससे लड़कियां एक सभ्य परिधान में आए और हमारा कॉलेज एक समानता की ओर अग्रसर करे, हमारी लड़कियां एक समान दिखे, इसलिए हम लोगों ने ड्रेस कोड पे ज़्यादा फोकस किया। जी नहीं, छात्राओं में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे छात्र संगठन हैं जो कि हम लोगों का विरोध कर रहे हैं। हम लोग किसी पे दबाव नहीं डाल रहे हैं। हम लोगों ने अपील की है छात्राओं से कि आप लोग प्लीज हमारे कॉलेज में एक असभ्य ड्रेस में आए जिससे हमारा कॉलेज अच्छा दिखे, और जल्द से जल्द ही ड्रेस कोड होने वाला है और उसके बाद किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रह जाएगा कि हाँ हम ये पहन कर नहीं आएंगे। और हाँ, बस इतना ही कहें, हम लोग किसी पे दबाव नहीं, किसी पे प्रेशर नहीं डाले हैं, बस हम लोग का यही है कि ड्रेस कोड होना चाहिए और सारी लड़कियाँ हम लोग का सपोर्ट कर रही हैं, बहुत सारे अभिभावक भी हम लोग के तरफ हैं। क्या कारण है? कॉलेज में छात्राएं पहुँचती नहीं थी, लेकिन अब कुछ छात्राएं, बहुत सारी छात्राएं कॉलेज में आने लगी हैं, और इसका कारण ये है कि हाँ, लड़कियों को कॉलेज आने में, जैसे कि जो गरीब छात्राएं हैं उन लोगों को पैसा का कमी होता है, इसी वजह से उन लोग भाड़ा नहीं दे पाती हैं, भाड़ा देने में असक्षम रहती हैं, इसीलिए वो कॉलेज नहीं आ पाती हैं। उनका कहना है कि रेगुलर हम क्लास करने नहीं आ पाते हैं क्योंकि पैसा नहीं रहता है। उन छात्राओं को ये भी बोलेंगे कि जो ट्यूशन की तरफ भाग रही हैं उससे अच्छा है कि कॉलेज में आए, कॉलेज में पढ़ाई अच्छे तरह से संचालित हो रही है। मैं हर एक क्लास में जाती हूँ कि क्लास हो रही है कि नहीं, हर एक टीचर से मिलती हूँ कि क्लास हो रही है कि नहीं, सब कुछ अच्छे से देखती हूँ, क्लास हो रही है सारे टीचर्स। कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज में 3 सब्जेक्ट के टीचर नहीं थे, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री और मैथ्स के प्रोफेसर ने, इसीलिए उन लोग टीचर को लाया गया, अब क्लास अच्छे से हो रही है। वहीं कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं भी ड्रेस कोड लागू होने के पक्ष में बातें करती हैं। कॉलेज में छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और वह सभी कक्षाएं समय पर चलने की बातें भी छात्राओं ने कही। ड्रेस कोड से तो सभी कोई सहमत होगा क्योंकि ड्रेस तो सबके लिए चाहिए, यहाँ पे कोई भी मतलब हाई फैमिली से नहीं है, सबको तो मिडिल ही फैमिली से, सबको ड्रेस चाहिए। और इस कॉलेज में पढ़ाई भी होती है? हाँ, पढ़ाई तो होगी, इस कॉलेज है तो पढ़ाई तो होगी। कॉलेज में लगभग कितने टीचर होंगे? टीचर मतलब 20-25। जो नहीं आती हैं उनकी वो अपनी गलती है क्योंकि वो ट्यूशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, उनको वो ट्यूशन नहीं करेंगे, अगर कॉलेज में आएगी तो कॉलेज में भी पढ़ाई होती है, कॉलेज में तो वो खुद से पढ़ सकती हैं आकर, लेकिन वो बहाना बना देती हैं कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, हम दूर से आते हैं, वो ट्यूशन में तो दे ही नहीं है पैसा। आपका नाम? जी, हम लोग पूरे सहमत हैं ड्रेस कोड से, जो भी हमारे रखा गया हम अपने अध्यक्ष का पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में। और जो है पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई होती है यहाँ पे? जी बिल्कुल, रोज होती है यहाँ पे, हर घंटी में पढ़ाई होती है। हाँ, क्लास चलता रहता है, हर बार क्लास चेंज होते रहता है हम लोग का, जहाँ पे जिसको जाना है, जो क्लास जिनका है वो करते हैं रेगुलर। सारे लोग सहमत हैं आपके लोग का, ड्रेस कोड हमारे बहुत हेल्पफुल है क्योंकि हम सबको एक जैसा ड्रेस मिल जा रहा है जिससे हम लोग एक समान कॉलेज के लगेंगे।
और इस कॉलेज में पढ़ाई होती है? हाँ, सारे क्लासेस होते हैं अच्छे से, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होती है, टीचर्स भी अच्छे से पढ़ाते हैं सारी चीज़। लगभग कितने लड़कियाँ लोग का यहाँ पे एडमिशन होगा? यहाँ पे 6,000 गर्ल्स लोग हैं जी, और जिसमें से 300 क्लासेस करती हैं और आती हैं रेगुलर, और फिर बाकी लोग अभी नहीं आते, सिर्फ 300 ही क्लासेस करती हैं। ड्रेस कोड लागू हो व छात्राओं में ऊंच नीच की भावना खत्म हो, काफी सराहनीय पहल है, परंतु यह पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा व टॉप जींस पर पूरी तरह पाबंदी लग पाएगी कहना बहुत मुश्किल है, परंतु कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां जिस तरह से समर्थन कर रही हैं व उत्साहित हैं, तो क्या निश्चित तौर पर विद्यार्थी परिषद का यह फरमान